है उसको भले गरीबी छू सकती है लेकिन बीमारी नहीं छू सकती है। इसीलिए लाइफ में ये वो खेल को रखना चाहिए। आज चाहे देश की बात करें, राज्य की बात करें, हर नौजवान अपनी फिटनेस को लेकर बहुत चिंतित रहता है और काफी समय जिम में, काफी समय एक्सरसाइज में देने का काम करता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो प्रतिदिन कोई ना कोई खेल, एक आउटडोर गेम खेलते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा एक्सरसाइज और जिम जाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में खेल कूद का महत्व होता है। आप और भले आज जमाना बदला है, लेकिन एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि हमारे गांव तुम भारत से क्यों खेलते हो? भारत तो एक गुलाम कंट्री है, क्योंकि 36 की हम बात कर रहे हैं, 1936 में भारत अंग्रेजों के अधीन था। तो मेजर ध्यानचंद को जाकर हिटलर ने कहा कि तुम भारत से क्यों खेलते हो यार, इंडिया तो एक गुलाम कंट्री है, कभी आजाद भी होगा कि नहीं, तुमको अगर खेलना ही है तो जर्मनी चले आओ, तुमको हम टीम का कैप्टन बना देंगे। यदि तुमको नहीं खेलना है तो तुम किसी एक इमारत में हाथ रख दो, इस पूरे जर्मनी में किसी एक इमारत, जैसे हमारे यहाँ लाल किला है, चार मीनार है, ताजमहल है, किसी एक इमारत में हाथ रख दो, वो तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन शर्त है तुमको जर्मनी से खेलना होगा, और नहीं तो तुमको मेरा जो पोस्ट है चांसलर का, चांसलर यानी प्रधानमंत्री के बराबर होता है, मेरे बाद का तुम कोई भी पोस्ट मांग लो हम तुमको दे देंगे। मेजर ध्यानचंद को ये प्रस्ताव कौन दे रहा है? जर्मनी का चांसलर, यानी आज के डेट में वहां भी चांसलर ही है, यानी जो भारत में प्रधानमंत्री कहा जाता है उसे जर्मनी में चांसलर कहा जाता है। यदि हम और आप होते तो शायद इस प्रस्ताव के सामने झुक जाते, क्योंकि हमने बहुत सारे खिलाड़ी को देखा है कि अपने देश को छोड़कर वे प्रोफेशनल खिलाड़ी बन रहे हैं, पेशेवर खिलाड़ी बने हैं। विजेंदर सिंह मुक्केबाज का नाम ही आप सुने होंगे। तो ठीक उसी प्रकार जब मेजर ध्यानचंद के सामने ये ऑफर आया था तो शायद बिक जाना चाहिए था, लोगों को लगता है वो इतना बड़ा ऑफर। लेकिन क्या उत्तर था पता है मेजर ध्यानचंद का? उन्होंने कहा, सुनिए ना श्रीमान, मुझे भारत देश से खेलते हुए एक 12वें खिलाड़ी के रूप में जो आनंद आएगा, आपकी जर्मनी का कैप्टन बनकर नहीं आएगा। मुझे भारत देश में एक कुली बनकर काम करने में जो आनंद आएगा, आपके देश का कलेक्टर बनकर नहीं आएगा। तो ये उत्तर था मेजर ध्यानचंद का। यानी खेल का मैदान आपको राष्ट्र के प्रति भी जिद्दी बनाता है। खेल का मैदान में जो खिलाड़ी होता है उसका कदम जमीन पर होता है और सोच देश की उन्नति पर होता है। हालांकि आधुनिक जो खेल चलता है, विशेषकर अगर क्रिकेट की बात करें तो खेल अलग विषय है, लेकिन मुख्य रूप से वो व्यापार की ओर तो चला जाता है। लेकिन आज भी जो खेल के मैदान से जुड़े लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भाईचारा होता है, कहीं ना कहीं उनमें एक सामंजस्य होता है। आपको याद होगा देश के महान संत स्वामी विवेकानंद, देश के महान संत स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए। क्योंकि खेल की बात की है तो आप फुटबॉल से सारा खेल को इंक्लूड कर ले तो आने वाले 20 सालों में झारखंड का क्या नुकसान होगा, ये प्रत्येक नौजवान को, ये प्रत्येक झारखंडी आवाम को आज थोड़ा समझना होगा। आप देख सकते हैं, यदि कोई ऊंची इमारत है इस आसपास सड़क के देखिए, जहां से आपको रांची और बोकारो के कुछ हिस्से नजर आते हैं, तो देखने का प्रयास कीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिखेंगी वो जमीनें तो झारखंडी की हैं, लेकिन इमारतें सबकी सब गैर झारखंडी की। इसीलिए अगर आज नीति नहीं बनती है, आज अगर आप लोग नीति के लिए नहीं लड़ते हैं, तो 20 सालों में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे साल भर से मैं झारखंड में आंदोलन के लिए भ्रमण कर रहा हूँ, गांव गांव गली गली, लगभग 18 जिला, लगभग 125 ब्लॉक में जाने का काम किया हूँ। जो स्थिति सामने है यही सामने है कि आने वाले 10-15-20 सालों में लगभग 10% झारखंड के लोग शरणार्थी हो जाएंगे। उदाहरण सामने है, आप ही का पूर्व जिला हजारीबाग, जो कभी रामगढ़ हजारीबाग का अंग था, बड़का गांव का गोदनपुरा गांव, लोग रात को खाना पीना खा के आराम से सोते हैं, सुबह जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उनके दीवालों पर एक पोस्टर चिपका हुआ मिलता है कि फलना एकड़, फलना खाता नंबर, इतना इतना प्लॉट नंबर, इतना से लेकर इतना तक की चौथी की जमीनें प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, जो अडानी साहब का है, देने का चर्चा चल रहा है।
यदि आपको दिक्कत है इतना तारीख तक ऑब्जेक्शन बता दीजिए, नहीं तो अगला दिन जो पर्चा चिपकेगा कि 3000 प्रति एकड़ आपका जमीन का रेट तय किया गया है। ये पूरे झारखंड का कंडीशन है, ये केवल एक जिला एक राज्य और एक प्रखंड का नहीं है, गांव का नहीं, पूरे झारखंड का कंडीशन है। जो जमीनें हमारी है वो उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, और जो नहर को बाहर फेंकिए, हमारे डरने की आदत ने, हमारे गिड़गिड़ाने की आदत ने हमारी ये दुर्दशा की। क्यों नहीं सवाल खड़ा करेंगे, 22 साल के झारखंड में एक पॉलिसी नहीं बना पाए हैं। पॉलिसी बनाने का काम सेक्रेटरिएट का होता है, जो मंत्री परिषद होते हैं उनके सलाहकार का काम होता है, और वो काम आईएएस के लोग देखते हैं। हम क्यों नहीं सवाल करेंगे कि आप आईएएस बनने आए हैं या कोयला का सेटिंग करने आए हैं, ये तो बताना हो आपको। और आप तो बता दे रहे, मैडम पूजा सिंघल तो बता दी 25 करोड़ लेके कि क्या करने आए हैं। हम कहां बता रहे हैं और सब तो साफ साफ कह रहे हैं, पूजा सिंघल इज नॉट सिंगल, सिंगल थोड़ी है। अरे हम नहीं कह रहे हैं, भले आज ये लोग पावर में है, सत्ता में है, कलेक्टर के पद में है, ये दिन आएगा सबका बही खाता खुलेगा, और हमारे पास अंदरूनी आंकड़े हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा और हम अपने आप को थोड़ा सा मजबूत पाएंगे, नाम ले लेके बता देंगे कि किस किस कलेक्टर का, डिप्टी कलेक्टर का दिल्ली में फ्लैट है, और उसका शुरुआत होता है 15 करोड़ से। सारा लिस्ट जमा करके रखे है, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। और बाप का है ये झारखंड, हाँ मेरे बाप दादा का है, उनका खून बहा है, किसी से डर नहीं है, वेट एंड वॉच, समय आने दीजिए। उस जिला के कलेक्टर के ऑफिस के बाहर खड़ा के कह देंगे कि ये कलेक्टर तो करना कमीशन हो रहे, बताओ समय आने दीजिए। अगर जिंदा है सबका हिसाब उसके कलेक्टर ऑफिस के बाहर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक पॉलिसी नहीं बन पाई है, यहाँ के स्टूडेंट मुर्गी चेंगना बेच कर खेत खलिहान से धान उपजा कर हजारीबाग में तैयारी करता है, कोई रांची के हॉस्टल में तैयारी करता है, और आप पॉलिसी नहीं बना पाते हैं तो आपको छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे स्टूडेंट रोते हुए बिलखते हुए हॉस्टल में जाके पढ़ाई करते हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, और आप राज को लूटने का काम करते हैं, तो अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि 24 में यदि बदलाव नहीं हुआ रांची के विधानसभा में तो झमरा खाली है, आवाज भी दे रहा है, झमरा खाली है, आवाज भी दे रहा है। और देखिए भारत नाथ को बेचने का तैयारी भी, हम भाषण में बहुत सीरियस लेते हैं लोग मेरा भाषण को, हम जब बोले थे सत्याग्रह के सामने, सारा सारा विधानसभा ऊपर में है, इन लोग विधानसभा के बाहर हमें बात को बोले थे, आज इन लोग भारत नाथ को बेच रहे, पता है कि नहीं। अभी झुमरा जा रहा है परासनाथ की मदद के लिए, यानी स्पष्ट कह दिए हैं यदि आप ढंग से नीति नियम बनाते हैं तो हम लोग भी किताब कॉपी लेकर आए थे, फिर किताब कॉपी लेकर वापस चले जाएंगे, और नहीं बनाते हैं तो झुमरा आवाज दे रहा है। झुमरा में कौन आवाज दे रहा है सभी जानता है, बताने का जरूरत नहीं है। झुमरा का क्या इतिहास है, क्या भूगोल है, सबको पता है। आप लोग तैयार है ना नौजवान साहब, धुकुर धुकुर नहीं ना करता है, धुकुर धुकुर करता है तो जिंदगी भर झारखंड में कुकुर बन के रह जाइएगा। शेर बनने का समय है, ललकार लेने का समय है, गरजने का समय है, गरजना आगाज कीजिए, धुकुर धुकुर मत कीजिए, नहीं तो राज्य आपका कुकुर आपको बना के रख दिया जाएगा। और ये हम कहा कह रहे हैं, जेएसएससी जेई का परीक्षा था, हमारा बहुत सारा दोस्त लोग भरा था, बोला परीक्षा अच्छा गया है, 2 दिन बाद कैंसल हो गया, 2 चोर पकड़ाया, कहाँ से, एगो मुंगेर से, एगो उड़ीसा से, चोर वो झारखंड का नहीं है। अगर हम में ये लक्षण होता तो धनबाद का सबसे बड़ा कॉल माफी हमारे बीच में से होता, हमें ये लक्षण नहीं है भैया, हमें ये लक्षण नहीं है, लेकिन मेरा मानना है आज हमारे अंदर ये लक्षण होना चाहिए। जमीन हमारी, कोयला का खदान हमारा, तो अगर नियति को माफिया बनना पसंद है तो माफिया हमारे बीच से होना चाहिए। इसलिए आज प्रत्येक नौजवान को हमें एक खुले मन से कहेंगे, ये समय आपका है, आप इस समय का सदुपयोग कीजिए।
इतना इसकी नीति में अपना योगदान दे दिए, नहीं तो ये राज्य लुट जाएगा। इस राज को लुटने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। इसलिए नौजवान साथियों, आपसे हमारा यही संदेश होगा, इस राज को अगर लुटने से बचाना है तो आज आपको बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई को पढ़ें, लेकिन जब भी समय मिले, 5 मिनट क्यों ना मिले, इस राज की वर्तमान स्थिति के बारे में एक बार जरूर चिंतन मंथन करें। आप सभी से मेरा अनुरोध होगा, और नहीं तो इतना बकवास पॉलिसी लाके भर देगा जो बिल्कुल हंसी का पात्र होगा। बताइए, रघु चाचा नीति बना दिया था जो झारखंड में पैदा होगा, अजीब नीति बनाता है। 10वां 12वां पास किया है, अरे मामा घर में आके कोई 10वां 12वां पास कर सकता है? इसलिए आज अगर इस राज्य को एक दिशा और दशा देनी है तो आज आपको चिंतन मंथन करते हुए और आपको जागरूक होते हुए आज सहभागिता आपको देनी होगी। ये समय की मांग है। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार है ना? मानते हैं थोड़ा सा विषय गंभीर है, रिस्की है, लेकिन कहा ही गया है जहां रिस्क होती है वहीं एंट्री फिक्स होती है। रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए। जो लोग शहीद हुए हैं उन्होंने रिस्क लिया है, तभी जाकर ये झारखंड हमारे हिस्से में है। ये झारखंड अभी हमारे हिस्से में है, इस पर हमें हमारा अधिकार चाहिए। इसलिए आज हम धंधे मौसम के साथ आपके अंदर जानकारी का और 1932 के खंडियान के पक्ष का उदय करते हुए हम विदाई लेंगे कि जो लोग आपको भरमाने का काम करेंगे कि 1932 तो अंग्रेजों के टाइम का खंडियान है और उसे अनुसूची 9 में शामिल होने की बात कही जा रही है, क्या ये सही अर्थों में संवैधानिक हो सकता है? आपके मन में भी सवाल आता होगा कि भाई अनुसूची 9 जो भारत के संविधान की अनुसूचियों में से एक है, क्या ये 1932 का खतियान कानून बनकर वहां समाहित हो सकता है कि नहीं? आपके मन में ये सवाल आता होगा। तो पढ़ने वाले तमाम नौजवानों, एक ही उत्तर में सारे सवालों का खंडन कीजिएगा कि 1990 आजाद भारत, सन 1990 आजाद भारत, भारत का संविधान संशोधन 66, 1908 का कानून जोड़ा गया है, 1908 का कानून उसके 3 अध्याय 1990 में आजाद भारत में और इसी अनुसूची 9 में जोड़ा गया है। कहाँ है? खोलिए गूगल, 209 में, कानून नंबर 209, अनुसूची 9 कानून नंबर सीरियल नंबर 209 में, भारतीय संविधान अनुसूची 9 में सीएनटी कानून के 3 अध्याय शामिल है। तो जब 1990 में शामिल हो सकता है तो 2023 में क्या दिक्कत है? उन्हीं बात तो हो रही है। अब बहुत सारे लोग ये तर्क देंगे हाईकोर्ट ने खारिज किया है, तो हाईकोर्ट चेक कीजिए कहाँ के लोग हैं, कहा कि देख ले झारखंड की स्थिति, जहाँ जहाँ तो देखे बाहर के लोग बस लो, आज देख ले हमने के लोग खपरा के छांड में हो और अपने 18 तल्ला तक चल गए। कहे न पैसा से पैसा बनाना हमारे खून में ही नहीं है। तो किसके खून में है? गुजरात और राजस्थान से जो सेठ मड़वारी लोग आया है, ये पारासन पहाड़ को भी खाने खोज रहा है। इसलिए निवेदन करबो सभी से हटे विनती रहता है कि अपन माए माटी भाषा हाँसा के लाज रखिया, अपन हक अधिकार के बात करिया, झारखंड के नौ झारखंड कैसे बने भा अगर चर्चा करिया, ठीक है? तो ये मंत्री सबसे पावरफुल है, हमको ये मंत्री बना दीजिए। बोला सोच लो, मंत्री तुमको 1 सेकंड में बना देंगे लेकिन दोबारा कभी मजदूर नहीं बनाएंगे। बोला एकदम डन। बोला चलो तथास्तु। वो पलक झपकते ही मंत्री बन जाता है, मंत्री क्या मान लेते हैं प्रधानमंत्री ही बन जाता है। 1 महीना प्रधानमंत्री बन के पूरा देश घूमता है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी उसके आगे पीछे, लेकिन अचानक एक दिन वो सभा में भाषण देता है और सूर्य की किरण उसके फेस में आती है। बोला यार ये सूर्य की किरण तो हमसे भी पावरफुल है, हमको पसीना पसीना कर दिया। बोला सुनो भगवान किधर हो, प्रकट हो जाओ, अब हमको मंत्री भी बन के नहीं रहना है। बोला क्या रहोगे? बोला सूरज बना दो। बोला सोच लो, दोबारा मंत्री नहीं बनाएंगे। बोला नहीं यार सूरज बना दो। सूरज बन जाता है, अब कुछ दिन वो सूरज बन के इतराता है, बहुत पैतरा मारता है कि हम तो सूरज बन गए, हमको क्या प्रॉब्लम है। 1 महीना बाद सूरज के सामने काले बादल आ जाते हैं,
धरती तक उसकी रोशनी नहीं पहुंच पाती है, वो फिर बोलता है यार काला बादल हमसे पावरफुल है, हमको काला बादल बना दो, हमको सूरज नहीं रहना है। बोला फिर सोच लो, दोबारा सूरज नहीं बनाएंगे। बोला बनना क्या, हमको काला बादल ही बनना है। अब तो काला बादल बन जाता है, 10 दिन 15 दिन काला बादल बन के रहता है। अब क्या होता है, काला बादल उड़ते 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 एक पहाड़ से टकरा जाता है। आँख खुलता, बोला यार इतना पावरफुल कौन है जो हमारा रास्ता रोक लिया है। देखता है एक बहुत बड़ा पहाड़ है। बोला सुनिए, अब हमको बादल भी बन के नहीं रहना है, इतना रास्ता रोक के खड़ा है। बोला क्या करना है, बोला हमको पहाड़ बना दो। बोला ठीक है बेटा, लेकिन फिर सोच लो। बोला सोच लिए, अब वो पहाड़ बन जाता है। 1 महीना फिर पहाड़ बन के इतराता है। अचानक उसकी नींद खुलती है, उस पर कोई चोट मार रहा है, थाप 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 दिले है। बोला साला ये कौन है रे जो हमको पटक रहा है, हमको मारपीट कर रहा है। वो सीधे बोला, अब हमको कुछ नहीं सुनना है, कहाँ है भगवान आइए। बोला अब क्या है, बोला यार हमको कोई पीट रहा है, थपथपा के पीट रहा है, हमको वही बना दो, हमको वही बनना है, हमको पहाड़ भी नहीं रहना है, वो हमको दम भर के पीट रहा है। बोला अरे पगला आँख खोल के देखो तो कौन पीट रहा है, कौन पीट रहा था, एगो छेनी और हथौड़ी लेके मजदूर पीट रहा था। उसको कहाँ से लेके गया था, मजदूर से। बोला आप कैसे लेके आएंगे, यानी आप जहाँ हो जिस स्थिति में हो उससे सामंजस्य बना के चलो, हाँ आगे बढ़ो, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है इसे नकारो मत। ठीक है, सबके जोहार रहते हैं कि सवाल बनकर फिर उठना, जब बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए इस खून का हिसाब रखना। जब सजी है थाल क्रांति की, माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी है, क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी है। यही आ जाए पतरातो गांव से, एक ही परिवार से 3 गो सगा भाई का जान गया है, गया है ना भाई, तो क्या गलत बोले, हमने भर भर के झोलियां दी है। यही माया राम महतो, महेश महतो, कुंवर महतो, एक गांव एक ही घर से 3-3 गो भाई का जान गया है। इसलिए याद रखिएगा, ये क्रांति हमने अपने रक्त पर सींचा है, ये राज्य हमने अपने रक्त से बनाया है, इसकी मान मर्यादा को रखना हम सभी का कर्तव्य है। कि चीखे गूंजे की धरती में चीख चीख में क्रंदन होगा, चीखे गूंजे की धरती में चीख चीख में क्रंदन होगा। अब हमें हथियार उठाने पे विवश ना करो, वरना उस दिन धरती पर मृत्यु को अभिनंदन होगा। हमने बहुत सहा है, दुनिया में जितना किसी ने नहीं सहा है उतना झारखंडी ने सहा है। जमीन हमारी गई है और नौकी यूपी बिहार बंगाल को बांटा गया है। हमने बहुत सहा है, बोकारो रहे, धनबाद रहे, अरिया यही घाटो रहे जहाँ उमेश तिलवार 200 दिन से धरना में बैठा है। सला जमीन उसका बाप का और उसको मांगना पड़ रहा है। हम तो यही कहेंगे, मांगने का धंधा खत्म करो, अब छीन लो। वैसे भी एकदम सबको मरना है, यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है, तो डरने से अच्छा है आज एक बार आप अपने अंदर के डर को त्यागो और सामना करो। ठीक है, अनहार भय गल फैरे वो सबके जोहार रहते, व्यस्त रहिया। बाकी हमने तो पूरा साल भर से सुनिए रहा लिये, झेलिए रहा लिये, और मैंने जितना संभव है और कई ज्यादा गुना आज